नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज के समय में हर कोई कुछ भी करके खुद को फिट रखना चाहता है, बढ़ता हुआ पेट कम हो जाए ये कौन नहीं चाहता। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनकी जिंदगी काफी मुश्किलों भरी होती है। मेंटल हेल्थ से लेकर पर्सनल लाइफ तक सब कुछ उनके लिए एक बुरे वक्त की तरह होता है, जिससे निजात पाने के लिए वो लोग कई डाइट प्लान फॉलो करते हैं और यहां तक कि घंटों घंटों जिम में अपना वक्त गुजारते हैं। लेकिन कई लोगों को फर्क नजर आता है तो कई के हाथ निराशा लगती है और वो सर्जरी की ओर जाते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि मोटापे का सबसे ज्यादा असर इंसान के पेट पर दिखता है, जिस कारण आदमी हो या औरत हर कोई परेशान रहता है। मोटापे से परेशान कई लोग आज भी अपनी लाइफ जी रहे हैं तो कई की मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक शख्स था जिसका वजन 444 किलो हो गया था। उन्होंने जब सर्जरी कराई तो उनका वजन 120 किलो कम हो गया, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। जी हाँ, अक्सर हम खुद को काफी मोटा समझते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो या तो हम वजन कम करने के लिए मोटिवेट होते हैं या फिर इस टेंशन से दूर हो जाते हैं कि हम ज्यादा मोटे हैं। बता दें कि मैक्सिको का रहने वाले शख्स का नाम एंड्रेस मोरिनो है, जिसकी मौत की खबर ने दुनिया को चौंका दिया है। बढ़े हुए वजन के कारण एंड्रेस की लाइफ काफी मुश्किलों भरी रही है। ये वक्त आया जब एंड्रेस का वजन लगातार कम हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक इमोशनल स्ट्रेस और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। जी हाँ, 444 किलो के शख्स की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार एंड्रेस मोरेनो का वजन 2015 में 444 किलो था, जिसके कारण उन्हें दुनिया का सबसे मोटा आदमी कहा गया। देखा जाए तो जन्म के समय सामान्य बच्चे का वजन 2 या 3 किलो तक होता है, लेकिन एंड्रेस का वजन जब जन्म हुआ तो उनका वजन 5 किलो से ज्यादा था। वहीं जब उनकी उम्र 10 साल हुई तो उनका वजन 82 किलो हो गया था। एनर्जी ड्रिंक एसिड और डायबिटिक एंड्रेस बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बना और उसके बाद उसने शादी भी की, लेकिन जैसे जैसे एंड्रेस की उम्र 20 साल हुई तो उन्हें हेल्थ इश्यूज होने लगे और उनके अधिक वजन के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। पत्नी के छोड़ देने के बाद उनके दोस्त और परिवार वाले उनसे मिलने जाते थे और वह उन्हें अपनी हालत के बारे में बताता था, लेकिन एंड्रेस मोरेनो की लाइफ इतनी खाली हो चुकी थी कि वो डिप्रेशन में जा चुका था। इमोशनल स्ट्रेस और हार्ट अटैक के कारण एंड्रेस की मौत हो गई। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई सही डाइट लेता है और लाइफस्टाइल हेल्दी रखता है तो पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है। एक स्टडी में बताया गया कि इस तरह के फूड खाने से भूख 60% तक कम हो सकती है और पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिल सकती है। इस मामले ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया कि बढ़ता वजन आपके लिए कितना हानिकारक होता है, इसलिए अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना बेहद जरूरी है। जो इस मामले में हुआ वो उन लोगों के साथ ना हो जिनका वजन बढ़ता रहता है, उनको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की बेहद जरूरत है। सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।